नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश गुप्ता आपका शांति कुंज नर्सरी और गार्डनिंग स्किल्स से आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किचन गार्डन में या कमर्शियल लेवल पे आप कैसे अच्छी नर्सरी का उत्पादन करें, क्योंकि अगर पौधे नर्सरी में अच्छे होंगे तो वो आगे फसल भी भरपूर देंगे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे उसको अच्छे ढंग से तैयार किया जाए, इसके बारे में हमें ये जानना है। भारत एक गर्म देश है और यहाँ की मिट्टी में निमेटोड्स या जिनको सूत्रकृमि कहते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जब हम नर्सरी में कोई ऐसी मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसको सीधा ही हमने गार्डन से उठाया या खेत से लाए हैं, तो उसके अंदर वो सूत्रकृमि के जो अंडे हैं वो सुप्त अवस्था में होते हैं, और जैसे ही हम उसमें पानी देते हैं, उनकी तैयारी करते हैं, तो वो सूत्रकृमि फैलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे वो जड़ों के अंदर, जो पौधों की जड़ें हैं उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और जैसे ही हम उनको अपने किचन गार्डन में लगाते हैं, पौधा जब भरपूर जवानी पे आता है तो वो इतना उसके ऊपर प्रहार कर देते हैं कि धीरे धीरे पौधा मरना शुरू हो जाता है और उसकी फसल जो है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। पौध के लिए हम गमला कैसे तैयार करें उसके बारे में आज आपको थोड़ा विस्तृत तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक गमला है, उसको हम भर रहे हैं, और इसमें जो हम मिट्टी प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे पास दो भाग ऑर्गेनिक खाद है, एक भाग वर्मी कंपोस्ट है और एक भाग हमने सैंड इसमें डाली है। और उसके साथ साथ ही आप ये देख रहे हैं कि ये एक एंटी फंगल दवाई आपके सामने दिखाई जा रही है, डायथिनम 45 नाम से इसका नाम है, इसको प्रयोग किया जा रहा है ताकि सूत्रकृमि जो है वो इस पर प्रभाव ना कर पाए और कोई भी फंगस प्रभाव ना कर पाए। इसके लिए इसके साथ साथ ही हम जो है एक इसमें स्प्रे डाल रहे हैं, वो इंसेक्टिसाइड, जर्मिसाइड और बैक्टीरियल साइड की है ताकि कोई भी किसी भी तरह का जीवाणु विषाणु उन बीजों को प्राथमिक अवस्था में ख़राब ना कर पाए। अब आप देखिए कि हम इसमें बीजों की रुपाई कर रहे हैं और उसके साथ साथ ही इनको हम ढक देंगे, और जो हमने ढकना है वो केवल थोड़ा सा, जिसको कहते हैं 1 सेंटीमीटर के चौथे भाग के बराबर, इसको हम मिट्टी से ढक देंगे। और वो मिट्टी कुछ नहीं बल्कि रिवर सैंड है, और जिसको हमने पहले ही ट्रीट कर रखा है उसको एंटी फंगल दवा से और जर्मिसाइडल दवा से। अब इसके ऊपर हम हल्का सा स्प्रे और कर देते हैं और इस तरह से अब हम इसको एक टाइल या किसी और चीज़ के साथ इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। और अब इसको 7 दिन तक हम इसको बड़ी ऐसी जगह में रखेंगे जो थोड़ा, मतलब जहां टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो और सीधी धूप ना लगती हो। आप देखेंगे कि 6-7 दिन के बाद वो छोटे छोटे सैपलिंग के रूप में तैयार होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो आप उसको देखेंगे कि वो 1.5 सेंटीमीटर का हो गया है पौधा, पौधे हो गए हैं, तो आप ये ऊपर जो उसका ढक्कन है, टाइल है या कोई पॉलिथीन शीट है उसको हटा दीजिए, और उसके बाद आप जो है उसका इंतज़ार कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए। और आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 प्रकार की अलग अलग किस्म की मिर्चों की नर्सरी है, अलग अलग वैरायटी है, कोई तीखी लाल है, कोई आचारी मिर्च है और कोई शिमला मिर्च है, यानी कि कैप्सिकम जिसको कहते हैं वो है। और इस तरह से ये हेल्दी प्लांट, तंदुरुस्त पौधे जब खेतों में जाएंगे, और खेतों में भी अगर हमने पहले से उसको अच्छे तरीके से तैयार किया, खेत या क्यारी अपनी जिसमें हमने उसका फ्यूमिकेशन किया है, यानी कि उसको हम फॉर्मलिन के 20% सोल्यूशन से अगर ट्रीट किया है, तो वहाँ भी नेमेटोड और ये फंगस और कोई बैक्टीरिया ज़्यादा असर नहीं करेगा। और इसके बारे में मैं आपको, जब ये तैयार पौधे क्यारी में लग जाएंगे और इनमें फसल आएगी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, आपको समय समय पर मेरे जो अपलोड्स हैं वो मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर आपसे अलविदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।